नमस्कार जी। तो एक जनरल वीडियो बनने लगी है, तो अपने इसके ऊपर बीगल के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीगल लेने में तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए और क्या एक अच्छा बीगल होना चाहिए जिसके अंदर सारे फीचर्स हों, क्या फ़ीचर्स आपने देखने हैं। तो सीधा भैया के पास चलते हैं, तो जो एक्सपर्ट है इस काम में, तो मिलते हैं भैया से। नमस्ते। नमस्ते जी। तो बीगल एक बड़ी अच्छी ब्रीड है इस दिनों में ना, तो जो बंदा डॉग रखने की बात करता है, बीगल वैसे भी फेमस थे तो अब तो कुछ ज़्यादा ही इनका नाम हो रहा है। इसका कारण ये है कि लगभग लोगों को क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हाँ जी। जैसे एक आती है टॉय ब्रीड। हाँ जी। टॉय ब्रीड के बाद आ गई सेमीजेंट। इसके अंदर क्या है, लोग लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, सबसे ज़्यादा अपने के डिमांड में, क्रेज में ये दो ब्रीड एक कॉमन पर्सन के दिमाग में रहती है। हाँ जी। बट ये क्या होता है, जब एक साल की उम्र ले लेते हैं, हाँ, अडल्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन घरों के अंदर बच्चे छोटे हैं या फिर बुजुर्ग आदमी हैं या फिर इस तरह से होते हैं, खुद हैं जो सर्विस पे चले जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो पीछे से घुमाते फिराते हैं, तो बड़े डॉग को घुमाने फिराने में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ जी। तो वो फिर उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं, भाई कोई ऐसी ब्रीड देखें जो दिखने में सुंदर हो, समझदार ब्रीड हो और छोटी हो, जिसको वो हैंडल आराम से कर पाएँ। हाँ जी। तो जब वो ये सर्च मारते हैं तो सबसे पहला नाम एट प्रेजेंट इन दिनों में बीगल का आ रहा है। हाँ जी। बीगल का नाम आने का कारण ये है कि एक तो अपने इनकी हाइट या ग्रोथ कह दे, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होता है, जो आपके सामने है, कॉम्पैक्ट साइज की होती है। हाँ, कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है। मैं एक सैंपल आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। हाँ जी। फर्स्ट, सेकंड, ये घर में अगर छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, तो ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाती बच्चों को, अग्रेसिव नहीं होती है, फ्रेंडली है, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली है, और बच्चे जैसे मर्जी इसके साथ खेल सकते हैं। बड़े बुजुर्ग घर में अगर आपके पास स्पेस छोटा भी है तो भी ये कंफर्टेबल रहते हैं। जितना बड़ा जानवर होगा उसको स्पेस उतना ही ज़्यादा चाहिए। ये छोटी ब्रीड जो है, अल्टरनेट दूसरा आता पग का, मगर पग के अंदर ऑलमोस्ट क्या होता है, 5-6 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। हाँ जी। फंगस प्रॉब्लम कह लो या फिर जब, क्यों उसकी केयर थोड़ी मुश्किल है, हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जगह वो ये देखते हैं, जो बीगल है ये एक रफ एंड टफ ब्रीड है। ओके। इसको जैसे मर्जी अपने, जिस मर्जी अपने कह दें मौसम के अंदर ये सेट हो जाती है। सेकंड ऑफ अपने कह दें, इसका जो साउंड, इसका साउंड डिपेंड करता है, कईयों को डिमांड होती है अभी जो कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर हो, ठीक है जी, हैंडल भी आसानी से कर सकें, प्लस अगर हमारे घर में कोई भी आ रहा है, कोई भी अननोन पर्सन आ रहा है या बाहर से कोई भी आ रहा है तो हमें अलर्ट कर सकें। हाँ जी। तो इसका जो साउंड है वो हैवी होता है, पग से कंपेयर करें तो पग का तो साउंड होता है, जो बाहर वो भोंकता तो आवाज़ बहुत कम आती है, इसका जो साउंड है वो लाउडली होता है, मतलब कि एक अच्छा गार्ड डॉग भी है। हाँ जी, गार्ड डॉग है, तो उसके लिए भी लोगों की चॉइस बीगल के ऊपर आके रुक जाती है। हाँ जी। और इसके अंदर लगभग दो कलर आते हैं। हाँ जी। ट्राई कलर हो गया, बीगल कलर, ट्राई और लेमन कलर, ये दो कलर आते हैं। फिर उसके बाद आता है मार्किंग के ऊपर। हाँ जी। मार्किंग जैसे मैं आपको समझाऊँ कि ये एक फीमेल है। हाँ जी। इसके ऊपर इसकी आ गई, हेड के ऊपर मार्किंग आ गई, पीछे कॉलर आ गई, ठीक है, टेल पे मार्किंग आ गई, लेग की आ गई, ये मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी मार्किंग होगी बढ़िया उतने अच्छे इसको क्वालिटी में माना, क्वालिटी में माना है। क्वालिटी देखो, क्वालिटी सारी सेम होती है। हाँ जी। क्वालिटी ये नहीं कि अगर मार्किंग कम है तो क्वालिटी लो हो जाएगी। हाँ जी। बट अपने रेट में बात करें तो जितनी अच्छी मार्किंग होगी उतना अच्छा रेट हो जाता है। तो जो अब हमारे बिगिनर्स हैं
जिन्होंने आज तक डॉग रखा नहीं लेकिन शौक रखते हैं। हाँ जी। तो इसकी डाइट के बारे में या इसकी केयर के बारे में कुछ ऐसे टिप्स आप दे सकें? केयर बहुत आसान है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इसकी जो डाइट अपने कहते हैं, एक घर के अंदर अपना नॉर्मल घर में जो बच्चा है उसकी जितनी डाइट होती है उतनी उसकी डाइट होती है। हाँ जी। इसकी डाइट चार्ट कोई ज़्यादा हैवी नहीं है अपने। दूसरी बात, अपने इसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसके डाइट के अंदर अपने इसको फीड भी दे सकते हैं। अच्छा जी, घर में अपने राइस वगैरह है, दलिया है, वो चीज़ भी चल सकती है। इसको अपने कहते हैं प्रोटीन डाइट के अंदर बॉयल एग है, वो दे सकते हैं साथ में। अच्छा, सप्लीमेंट के अंदर कैल्शियम, मल्टीविटामिन, वो इसको अपने डेली रूटीन में देते रहते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। जैसे हमारे पास ज़्यादा फीमेल रहती है। हाँ जी। तो फीमेल को हम टाइम टू टाइम कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सब कुछ देते रहते हैं तो उनकी ग्रोथ भी होती है और वो जो अपना कहते हैं पीरियड सिस्टम होता है उस पर भी टाइम टू टाइम आ जाती है। तो अपना दूसरा, इसकी टाइम टू टाइम केयर में सिर्फ एक डाइट नहीं होता, उसके साथ टाइम टू टाइम इसकी डिवार्मिंग होती है। हाँ जी। नॉर्मल बच्चा जो होता है 25 दिन के बाद उस बच्चे की अगर ग्रोथ अच्छी है तो अपने उसकी डिवार्मिंग कर सकते हैं। 25 दिन के बाद शुरू हो जाती है, हर 15 दिन बाद बच्चे की डिवार्मिंग करनी चाहिए। हाँ जी। जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता, 6 महीने के बाद, जब 6 महीने का बच्चा हो गया है उसके बाद हर 3 महीने बाद इनकी डिवार्मिंग होनी चाहिए। ये डिवार्मिंग करने से क्या है, एक तो इनको फंगस प्रॉब्लम वगैरह कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ जी। दूसरा, इनका खान पान कह दें अच्छा रहता है, जो भी अपने इनको डाइट दे रहे हैं वो इनके शरीर में लगती है। अगर ऑलमोस्ट अपने देखते हैं लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारा डॉग है जो गंदगी में मुंह मारता है। हाँ जी। गंदगी में मुंह मार रहा है जी, वो कचरा खा रहा है, ये चीज़ें की कंप्लेन काफ़ी रहती है। हाँ जी। इसका रीज़न यही होता है कि टाइम टू टाइम वो लोग अपने डॉग की डिवार्मिंग नहीं करते। डिवार्मिंग नहीं करते। डिवार्मिंग ना करने के कारण कई बार क्या होता है, आरबीसी लेवल डाउन चला जाता है। हाँ जी। उसके कारण फिर खून की कमी आ जाती है, खून की कमी आ गई तो फिर वो डॉग गंदगी खाना शुरू कर देगा। ठीक है, गोबर वगैरह खाएगा, बाहर से कुछ ही पत्थर कंकर जो मिल जाए वो खाना शुरू कर देगा। हाँ जी। तो उसके लिए टाइम टू टाइम अपने डॉग की डिवार्मिंग करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आरबीसी पैट ले लो, किसी भी अच्छे फार्मा की लिक्विड सिरप ला के उसको कंटिन्यू करें आप, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अपना जैसे अब पपीज़ के बारे में आपने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो जैसे अब मैं हूँ या कोई भी बीगल लेने जाता है। हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं, क्या क्वालिटीज़, क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फीचर्स? सबसे पहली बात आती है, क्वालिटी से भी पहले बात आ जाती है, आप जब पपी लेने जा रहे हैं। हाँ जी। तो एटलीस्ट आप ये देखें कम से कम 1 महीने का बच्चा आपको होना चाहिए, 1 महीने तक वो मदर फीड पर चलना चाहिए बच्चा। अच्छा। अगर कम से कम 1 मंथ उसको मदर फीड मिलेगी तो अच्छा ग्रोथ करेगा बच्चा। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जो 20-25 दिन का बच्चा हुआ, पैसों के लालच के अंदर वो छोटा बच्चा उठा के ले आते हैं और कस्टमर को भी ये देखता है जी ये बच्चा थोड़ा छोटा है हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा तो वो बच्चा ले आते हैं। हाँ जी। तो उसको अच्छे से मदर फीड मिलता नहीं है। मदर फीड मतलब उसको हर एक चीज़ मिल रही है मदर फीड में। मदर फीड एक ऐसा अच्छा एंटीबायोटिक भी होता है जो किसी भी बीमारी से, किसी भी तरह के रोग से बच्चे को दूर रखता है। उसके बाद 30 दिन का आप बच्चा ला रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है, उसको जब भी आप घर पे लेके आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल फ्रेंडली नेचर दें, सोशलाइज करें उसे। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, बच्चे को ले आते हैं, ला के उसको रख दिया जी एक कार्टून के अंदर रख दिया, उसको एक पिंजरे के अंदर रख दिया। हाँ जी। वो फिर कंप्लेन करते हैं जी ये बच्चा रो रहा है, ये एडजस्ट नहीं हो पाता हमारे साथ। उसका रीज़न क्या है, अगर अपने पास खुद का बच्चा है तो अपने उसको 1 साल के बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, नहीं छोड़ते। तो ये भी एक बच्चा है, अगर आप इसको लेके आ रहे हो, आप इसे अडॉप्ट कर रहे हो तो आप इसे अपने बच्चे की तरह समझो। हाँ जी। अपने बच्चे की तरह समझो तो उसको वो केयर दो प्रॉपर, उसको वो प्यार दो तो वो अपने आप आपसे एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा,
सबसे बड़ी बात आती है इसकी केयर की, इसकी डाइट की। डाइट नॉर्मली आदमी क्या करता है, सुबह शाम कहते जी हम इसको सुबह शाम दे रहे हैं, तो सुबह शाम नहीं, छोटे बच्चे को, एक महीने प्लस के बच्चे को कम से कम दिन में 4 से 5 बार फीड कराना चाहिए। 4 से 5 बार? हाँ जी, 4 से 5 बार फीडिंग कराओ उसको। फीडिंग के अंदर अगर छोटा बच्चा है एक महीने का, तो उसको आप सेरेलैक दे सकते हो, बॉयल एग दे सकते हो, पप्पी स्टार्टर अच्छी अच्छी कंपनियों के आते हैं। हाँ जी, पप्पी स्टार्टर आप लेके आओ, वो दीजिए आप। उसके अलावा दही हो गया, दही दे सकते हो। दूध, दूध की बजाय अगर आप दही ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उससे अमूमनली क्या होता है, बच्चा लूज मोशन से बचा रहता है। नहीं तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, बच्चा ले जाते हैं मदर फील्ड पर चलता है, हाँ जी, उसके बाद वो बच्चा घर पे ले आते हैं, उसको वो दूध देते हैं, दूध सेट नहीं हो पाता, हाँ कई बार तो वो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। आप दूध भी दें मगर एक फिक्स लिमिट में दें, दिन के अंदर 1 या 2 बार हाईएस्ट, ठीक, और बाकी टाइम आप अदर प्रोडक्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो यूज़ करें। उससे क्या है, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी आएगी। फिर जब बच्चा 40-45 दिन के तकरीबन हो जाए तो मल्टी विटामिन पेस्ट आता है, हाँ जी, वो पेस्ट आप इसको दिन में रेगुलर दें, 1 या 2 बार आप दें, उससे इसकी ग्रोथ अच्छी आएगी। और कैल्शियम है, 5 किलो बॉडी वेट तक जब तक बच्चा रहता है तो उसको आप कैल्शियम सिरप दें, हाँ जी, एक अच्छे अपने नज़दीक के वेटनेरियन से कंसल्ट करके, हाँ, बॉडी वेट के हिसाब से वो आपको बता देगा कितना उसको कैल्शियम की मात्रा दी जानी चाहिए। 5 किलो के बाद कैल्शियम सिरप ना दे के उसको टैबलेट या टैबलेट में आप दें, या फिर कैल्शियम बोन आएगी, कैल्शियम बोन में दें। ये चक्कर सबसे बड़ी बात है डिवार्मिंग की। तो डिवार्मिंग आप पप्पी की टाइम टू टाइम अगर कर रहे हैं तो आप उसको जो भी खुराक दे रहे हैं उसके शरीर में लगेगी, अच्छी ग्रोथ होगी। हाँ जी बिल्कुल जी। और जब भी आप पप्पी लेने जाएं तो सबसे बड़ी बात है वो क्वालिटी, हाँ जी, सबसे बड़ी बात जो अपने कह दें मैटर करती है क्वालिटी है, हाँ जी, एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा दे के लें। उसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है वो फीचर्स आप देखें, हाँ जी, वो फीचर्स आपको सारे मिलते हैं तो आप अडॉप्ट करें। और कभी भी 1 महीने से छोटा बच्चा ना लें, ना ले, क्योंकि वो उस बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है और आपके साथ भी गलत हो रहा है, हाँ जी, तो इन चीज़ों से आप थोड़ा बचें। तो मेरा जो कोशिश रहती है सर, हमेशा कोशिश रहती है जो नए शौकीन है, हाँ जी, या कोई भी पेट लवर है, तो उसके साथ कभी भी गलत ना हो, मतलब कि उसको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मगर बड़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं। बीमारियों के कारण ये होता है लोग घर पे डॉग पाल लेते हैं, हाँ जी, भले वो अडल्ट पालें पप्पी पालें, हाँ जी, तो वो उसको डाइट भी अच्छी देते हैं, खाने पीने को सब कुछ देते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, मगर टोटल अपने कहते हैं जो वैक्सीन का चार्ट है उसको फॉलो नहीं करते, हाँ जी, वैक्सीन टाइम टू टाइम नहीं हो पाती, हाँ, बच्चे की, तो जैसे भी मौसम में परिवर्तन आता है, हाँ जी, मौसम परिवर्तन आते ही बच्चा इन्फेक्टेड होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अडल्ट में ये चांसेस बहुत कम होते हैं, बट पप्पी के अंदर ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका पप फुली वैक्सीनेटेड है तो आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, आपके नज़दीक में कोई भी अच्छे वेटनेरियन के पास जाके आप कंसल्ट करें, उससे वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं, वैक्सीनेशन कार्ड के थ्रू आप जो टाइम टू टाइम उसकी वैक्सीन होनी है वो करवाएं, डिवार्मिंग उसके अंदर आप फॉलो करें, जो जो आपको टाइम दे रखा है डिवार्मिंग फॉलो करें, वैक्सीन आप कंप्लीट लगाएं, प्लस जो सप्लीमेंट उसको बचपन में दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर बचपन से आप उसको अच्छे सप्लीमेंट दे रहे हो तो उसकी एक अच्छी ग्रोथ होगी। जो ग्रोथ होनी है बच्चे की वो 4 से 5 महीने तक जो बच्चे ने ग्रोथ कर ली वो कर ली, अगर उस टाइम में अगर वो बच्चा वीक रह गया या उसको जो चीज़ की ज़रूरत थी वो उसको नहीं मिली, तो इन फ्यूचर अपने उससे उम्मीद रखें कि वो बड़ा हो के पूरी ग्रोथ करेगा तो बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ जी, जो ग्रोथ होनी है वो बचपन से होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है थी जो हमने बीगल के रिगार्डिंग दी है आपको,
अभी भी कुछ बहुत सारे ऐसे कह लीजिए आप, या फिर कोई भी ब्रीड कह लीजिए आप, हाँ जी, जो अपने कहते हैं पप्पी की केयर है, वो कोई भी ब्रीड हो, सब में ये सेम अप्लाई होगी। हाँ, ब्रीड अगर आप इस ब्रीड में इंटरेस्टेड हो और इसका पप्पी लेने जा रहे हो, हाँ जी, तो जो फीचर्स मैंने बताए आपको, आप उन सबको चेक करके उसके बाद ये पप्पी लें। अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, डाउट हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को अपने पप्पी के साथ या डॉग के साथ, हाँ जी, तो रेफरेंस के लिए या एक हेल्पिंग हैंड की तरह आपको कांटेक्ट कर सकता है सर वो। व्हाई नॉट। तो सर आपका नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हाँ जी। तो जिस भी मेरे भाई को या ओनर को, एक डॉग लवर को प्रॉब्लम आ रही हो, ज़रूरी नहीं है बीगल में, किसी भी एक डॉग ब्रीड में, तो वो हमारे योगी जी को कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो कभी भी व्हाट्सएप कर सकता है, तो ये ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। थैंक यू।